ये तीन तुम्हारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, तो तीन क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा इसका। तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करने बोले, तक सिर्फ और सिर्फ सबको फॉर्मूला हमेशा याद रहना चाहिए। जब तक फॉर्मूला याद होगा नहीं, कभी भी क्वेश्चन का आंसर निकालना हमारे क्या है, पॉसिबल है, मुश्किल नहीं, पॉसिबल है निकालना है। नाउ तो पहला क्वेश्चन हमारा टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू, प्रूफ करना हम लोगों से स्क्वायर थीटा इंटू कॉस एक स्क्वायर थीटा, ये कैसे होगा। तो क्या करना है हम लोग को, मुझे पता है टैन और कॉट को सेक और कॉसेक कन्वर्ट करना है। पहला पार्ट हम लोग को क्या होगा, टैन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 2। हम लोग एलएचएस लेके आगे बढ़ रहे हैं, तो माइनस 1 माइनस 1 कितना होगा माइनस 2, अब प्लस 2 क्या हो जाएगा आपस में कैंसिल, क्या बचा हम लोगों को, sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। लेकिन प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना sec स्क्वायर थीटा इनटू cosec स्क्वायर थीटा, अब तक प्रूफ नहीं हुआ है। तो क्या करने वाले नेक्स्ट स्टेप में, कन्वर्ट कर दो इसको, sec स्क्वायर थीटा क्या बोल सकते हैं 1 cos स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा क्या बोलेंगे 1 sin स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ले लेते हैं, यहां पे ऐसे में क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नीचे कितना आएगा sin स्क्वायर थीटा इनटू हो गया। बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, क्या बचा, ये बचा 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, जो हमारा एलएचएस प्रूफ करना था। ठीक है, आप किसी को नो सर, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारे क्वेश्चन तुम समझ जाओ, देखो कैसे करना है, cosec theta plus cot theta equal to p, then prove that cos theta equal to p square minus 1 upon p square plus 1. The पहला चीज, given क्या उसको लिखते हैं पहले, given हमारा क्या है, cosec theta plus cot theta is equal to कितना हमारा देख रहा है, p, दिक्कत, मुझे पता है cosec cot का एक रिलेशन क्या होता है, cosec cot का रिलेशन ऐसा कुछ होता है, cosec square theta minus cot square theta is equal to 1, ठीक है, रिलेशन होता है हमारा, कोई दिक्कत, a square plus b square कितना हो गया, a प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है 1। अब बताओ इसमें तुम्हारा cosec theta प्लस cot theta कितना दे रखा है यहाँ पे, p, क्या इसकी जगह p पुट कर ले हम लोग, क्या हो जाएगा p इंटू cosec theta माइनस cot theta इज इक्वल टू कितना है 1। बताओ cosec theta माइनस cot theta कितना हो गया, फिर हमारा 1/p, ये मान लो इक्वेशन नंबर 2 और जो गिवन था उसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों को ऐड करो, जो अगर दोनों इक्वेशन को ऐड करोगे तो cot theta cot theta कैंसिल, कितना मिलेगा हम लोग को, ध्यान देना फिर से क्या बोल रहे, cot theta अगर दोनों को इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे, ये 1 हो गया हमारा, तो दोनों में cot theta क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा हम लोग का, ये बचेगा 2 cosec theta is equal to p plus 1/p, ठीक है। Now, 2 cosec theta कितना मिल जाएगा हम लोग को, ये मिल जाएगा p square plus 1 upon p, देखो ऊपर का टारगेट कमन हमारा क्या था, p square plus 1 नीचे होना चाहिए और p square plus 1 ऊपर होना चाहिए, बट क्या प्रूफ करना था, cosec, काम करते ना पहले इसको p को cosec को नीचे भेजते हैं, देखो तो cosec theta कितना हो जाएगा, तो cosec theta यहां पे हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा p square plus 1 upon 2p हो गया, कोई दिक्कत ना। तो cosec से cos पे कन्वर्ट करना हम लोग को, यहां से यहां जंप करना है, तो कैसे जंप करेंगे, पहले cosec को sin में कन्वर्ट करेंगे, फिर sin से cos में जाएंगे, तब जाकर हमारा आंसर आता है, करेक्ट। तो cosec क्या लिखेंगे, क्या cosec 1/sin लिख सकते हैं, 1/sin थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/2p, उसको उल्टा कर दें तो sin थीटा कितना हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा 2p/p² + 1, पहला टारगेट कंप्लीट हो गया, पहला टारगेट क्या था कि नीचे होना चाहिए p² + 1, यहां भी आ गया p² + 1। नाउ सेकंड टारगेट ये हमारा sin को cos में कन्वर्ट करना, हमें पता है ना क्या होता है, 1 cos² θ √ (p/p²+1), पता नहीं होता है क्या, sin थीटा तुम्हारा √ (1 cos²θ) होता है, रूट को हटाना पड़ेगा ना, तो क्या करना है, दो तरफ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर करते दो तरफ, बताओ कितना हो गया स्क्वायर करने के बाद, बताओ एक एलएचएस कितना होगा, 1 cos²θ, एलएचएस मिल गया हम लोगों को 1 cos²θ, आरएचएस मिलेगा 4p² / p² + 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब एक काम करो, cos स्क्वायर थीटा को इधर सेंड करो और इसको इधर सेंड करो, इसका मतलब ये हुआ यहां मिलेगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, ये पोर्शन 1 माइनस
कितना हो गया 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब कुछ नहीं करना छोटो, बस सॉल्व करना हम लोग यहाँ। तो 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, तो 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर अपॉन 2p प्लस 1 का होल स्क्वायर। सॉरी 2p प्लस 1 बोल रहे हैं ना सर, 1 थोड़ा राइट में, उससे माइनस 1 हो जाएगा। पी स्क्वायर प्लस वन, सॉरी पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। क्यों देख लो फिर से ध्यान दो, यहाँ पे इसको उल्टा किया, यहाँ पे 2p अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन था हमारा, फिर स्क्वायर किए तो 4p स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। ये कॉस जाएगा उधर, ये टर्म आएगा इधर, क्या हो जाएगा 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो रीअरेंज कर दिए और रीअरेंज करके ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को ना। अब इसको बस क्या करना है, एक्सपैंड करना, तो क्या होगा p टू पावर 4 प्लस 1 और ये क्या बचेगा हमारा प्लस 2p स्क्वायर, ये बचेगा हमारा माइनस 4p स्क्वायर अपॉन नीचे कितना है p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। नाउ फिर से देखो आप जो ये हो गया p पावर 4 प्लस 1 माइनस 2p स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। तो फिर से देखो क्या पी पावर 4 को हम पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, कोई दिक्कत यहाँ पे। क्या टर्म ऐसा बन गया, नहीं बन गया देख लो, किसी को प्रॉब्लम यहाँ पे है किसी को? नो सर। क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या बोलेंगे पी स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, नीचे कितना पी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना है कॉस स्क्वायर थीटा। हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था कॉस थीटा। तो क्या इसको हम ऐसे रीअरेंज कर लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, देख लो फिर से क्या इसको हम ऐसे रीअरेंज कर ले यहाँ पे, देखो क्या कॉस है कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर दोनों को कैंसिल आउट, क्या बचेगा कॉस थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा प्रूफ है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। किसी को डाउट हो दोबारा बोल सकते हो, दोबारा समझा देंगे, फिर भी डाउट बोल दो सर। कहाँ पे सर सेकंड पार्ट इसका, जहाँ से कहाँ पे सर ये नहीं ओके। तो यहाँ पे ऐसे समझना हम लोग को, यहाँ पे यूज करेंगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है छोटू, 1 होता है क्या? तो बताओ साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा जल्दी बताओ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा रूट ओवर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा के प्लेस पे इतना लिख दीजिए, ठीक है। अब ये पोर्शन इतना था, बट हमें क्या चाहिए था हम लोग को कॉस थीटा चाहिए था, मतलब रूट में नहीं चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर करके रूट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये क्या बन जाएगा 4p स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अभी काम करो cos को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो cos बन जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा 1 माइनस 4p स्क्वायर अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब बस इसको राइट साइड को सॉल्व किए, सॉल्व करते करते यहाँ पहुंचे, हमारा टर्म बचा वो बचा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर को कैंसिल, क्या बचा सिर्फ पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1। तो ये हमारा प्रूफ था जो हमने कर दिया। सो एग्जामिनर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हारा है, देखने में बहुत सिंपल लग रहा होगा बट है बहुत मजेदार क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हमारा ये कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अगर तुम्हारे इक्वल टू 0 है छोटू, बताओ साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा कितना होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है सिंपल बहुत ही दिखने में लग रहा है क्वेश्चन, लग रहा है ना कि आराम से हो जाएगा क्वेश्चन, कुछ है नहीं क्वेश्चन में, लेकिन क्वेश्चन में छोटू बहुत दम है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, ये तो एग्जामिनर क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग है। देखो क्या अगर मान लो हम बोल रहे हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 करेक्ट, तो क्या बोल सकते हैं आप हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बोल सकते हैं क्या? यस सर। बोल सकते हैं क्या? यस सर। दोनों तरफ कॉस से डिवाइड कर ले क्या हो जाएगा, इसको इधर सेंड करो क्या हो जाएगा टैन थीटा, टैन थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा नहीं होगा? यस सर। बताओ टैन थीटा का वैल्यू 1 कितने एंगल पे होता है, कितने पे होता है 45। तो थीटा कितना मिल गया 45, थीटा मिल गया 45 डिग्री। यस सर। थीटा वैल्यू पुट कर दो यहां पे, आ गया सर। तो बताओ sin टू पावर 4 45 डिग्री करेक्ट प्लस cos टू पावर 4 45 डिग्री कितना होगा, ऐसा लिख सकते इसको हम क्या कि sin स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर प्लस ध्यान देना cos स्क्वायर 45 डिग्री का स्क्वायर। तो बताओ sin 45 कितना 1 बाय रूट 2 का स्क्वायर प्लस
प्लस वन बाई रूट टू का स्क्वायर का स्क्वायर, ये कितना होगा तुमसे बोल रहे हैं तो बताओ। तो वन बाई रूट टू का स्क्वायर वन बाई टू हो जाएगा, वन बाई टू का स्क्वायर कितना वन बाई फोर हो जाएगा, तो वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर कितना हो जाएगा टू बाई फोर, दैट इज इक्वल टू वन बाई टू। इंटरेस्टिंग बड़ा क्वेश्चन था ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जनरली हम लोगों को हमेशा थीटा फाइंड आउट करना है और थीटा फाइंड आउट करके लैटिन वैल्यू पुट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट तुम्हारा ये है कि tan थीटा इक्वल टू 4 tan tan थीटा इक्वल टू 3 देन बताओ 4 sin थीटा माइनस cos थीटा, 4 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा कितना होगा। ध्यान रखना यहां क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहां क्वेश्चन में रखा है वो क्या हमारा कि tan थीटा गिवन है। अगर बोल रहा है 4 tan थीटा इक्वल टू 3, छोड़ ध्यान देना, ये 4 tan थीटा इक्वल टू 3 है तो बताओ tan थीटा कितना होगा। ये हुआ कि हमें सारे इक्वेशंस में tan थीटा कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर हमने इक्वेशन को tan थीटा में कन्वर्ट कर दिया और tan थीटा के डायरेक्टली प्लेस पे क्या कर देंगे 3 बाय 4 पुट कर लेंगे हम लोग। यस सर, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन में cos से डिवाइड करना पड़ेगा। तो सब में तुम cos से डिवाइड कर दो, ठीक है, सब में cos से डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, बन जाएगा sin cos का हो जाएगा 4 tan थीटा अधिकत माइनस 1 अपॉन ये हो जाएगा 4 tan थीटा प्लस 4। इनफैक्ट तुमको ये भी नहीं करना पड़ेगा, ये कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज़ 4 tan थीटा किसके बराबर डायरेक्टली 3 के, क्या हो गया 3 हो गया, 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 4 कितना हो गया 2 बाई 2 बाई 4 हो गया, खत्म। डैश सॉल्व सिंपल है क्या, यस सर, बता रहे हैं क्या, यस सर, कुछ आगे बढ़े, यस सर, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो एग्जांपल का 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिर से तो आज सॉल्व करें इसको हम लोग। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, एक क्वेश्चन यहाँ पे इसलिए ऐसा दिया था कि इतने एग्जाम में अगर वन मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा डेफिनेटली इस टाइप क्वेश्चन आएगा ही, कैसे सॉल्व करना है देखो ध्यान देना। तो ऐसे क्वेश्चंस को डील करने के लिए बस ध्यान देना कि दोनों एंगल का सम 90 होना चाहिए। अगर दो एंगल का सम तुम्हारा 90 है तो हमेशा क्या करें, कन्वर्जन फॉर्मूला अप्लाई करें। लाइक मान लो 47 प्लस 43 कितना होता है, 90 होता है कि नहीं होता है, होता है क्या बताओ। ऊपर tan 47 ही लिखेंगे, लिखेंगे ना, ऊपर tan 47 लिखते हैं ना, नीचे मैंने क्या बोला, जब समेशन 90 हो जाए तो आंख बंद करके कॉलम किस में लिख देंगे tan में, और 90 इसको माइनस करो कितना हो जाएगा 47, तो दोनों का आंसर कितना आ गया आंसर, तो पहले आंसर कितना हो गया। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो cos a plus cos square equal to 1 हो गया तो बताओ sin square a plus sin 4 equal to 1 होगा कि नहीं, ये प्रूफ करने बोल रहा है, ये 1 होगा ही होगा बट हम प्रूफ करने बोल रहा है। इफ अगर cos a plus cos square equal to 1 देन प्रूव दैट sin square a plus sin square 4 equal to 1, ठीक है। ये तुम्हारा एग्जांपल का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते सॉल्यूशन कैसे निकालना है इसका, बहुत ही सिंपल है, जवाब तुम लोग ट्राई कर सकते हो पर देख लो जिसको समझ नहीं आएगा। देखो पहला चीज, तो जो क्वेश्चन दे रखा है उसी को लेकर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहला चीज क्या है कि cos a plus cos square a गिवन हमारा क्या है 1 के बराबर, तो बताओ cos a कितना हो जाएगा छोटू, 1 minus cos square होगा क्या, अरे होगा क्या, yes, sir. cos a कितने के बराबर, sin square a के बराबर हुआ कि नहीं हुआ, yes, sir. हुआ कि नहीं, yes, sir. अब बताओ cos a तुम्हारा sin square a के बराबर, करेक्ट, हमें क्या करना है sin square a plus sin power 4 a निकालना, बताना कितना होगा। तो बट यहाँ पे क्या हमारा sin power 4 है ना, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दे फिर से, स्क्वायरिंग क्या हो जाएगा, cos square a कितने के बराबर हो जाएगा, sin power 4 होगा, यस सर, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब क्या करना है हम लोगों को, बस वैल्यू पुट करना है और सॉल्व करना, ठीक है। इनफैक्ट काम करो तुम आगे सॉल्व करो इसको, बताओ कितना आंसर आएगा इसका, बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, cos sin square a यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, cos a, और sin power 4 a क्या पुट कर देंगे, cos square a पुट कर लो, सिंपल क्या है, cos निकाल दे sin स्क्वायर है, तो cos स्क्वायर क्या होगा, sin पावर 4 है, cos स्क्वायर कितना 1 माइनस sin स्क्वायर है, 1 माइनस sin स्क्वायर इक्वल टू कितना sin पावर 4 है, sin स्क्वायर उससे भी करो क्या है, sin स्क्वायर प्लस sin पावर 4 इक्वल टू 1, जो हमें प्रूव करना था, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रूव करना, tan थीटा प्लस 2 * 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 5 tan थीटा प्लस 1 स्क्वायर थीटा प्रूव करना है। देखो बहुत सिंपल, एलएच लेकर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सो एलएच से आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई बोलते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, 2 tan थीटा 2 tan थीटा कितना हो गया 2 tan स्क्वायर थीटा, तो दिक्कत यहां पे ना,
tan theta and 2 power plus 1 kita plus tan theta. Now next 2 tan theta plus 2 kita plus 4 tan theta. प्लस टू इंटू प्लस वन कितना प्लस वो दिक्कत यहाँ पे ना टैन स्क्वायर थीटा को मुझे पता है एक स्क्वायर थीटा कन्वर्ट करना है करेक्ट. अब यहाँ ध्यान दो फोर टैन थीटा प्लस टैन थीटा कितना आ गया फाइव का पहला ट्रायंगल मिल गया हम लोग है ना ये ट्रायंगल मिल चुका है. अब क्या करना है कि sec स्क्वायर थीटा चाहिए ऑब्वियस सी बात है कि tan स्क्वायर थीटा को sec में कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्या होता है ये होता है हमारा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा प्लस 5 tan थीटा प्लस 2 क्या यहां तक मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा 2 sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 प्लस 5 tan थीटा प्लस 2 2 टू व्हाट कैंसिल कितना मिलेगा मिलेगा 5 tan थीटा प्लस 2 sec स्क्वायर थीटा. अच्छा सॉरी यहां 2 प्रूफ करना था 2 sec स्क्वायर थीटा ये हमें प्रूफ करना था हमारा आंसर यहां वो दिक्कत है. आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है इसको देखते आ गए हम लोग. ये क्वेश्चन क्या है हमारा कि tan a plus 1 plus sec a tan a upon 1 plus sec a minus tan a upon 1 minus sec a is equal to 2 cos sec a प्रूफ करना है ठीक है. प्लीज वही चीज तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते सबसे पहले हम लोग यहां पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा tan a into कितना आ जाएगा झूठो बताओ tan a into 1 minus sec a minus tan a into कितना मिल जाएगा तो 1 plus sec a upon कितना वाला तो a plus b into a minus b क्या होगा यहाँ पे जस्ट उल्टा है उसका है ना. अगर माइनस साइन मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा ना. इस बात ध्यान देना बस नेक्स्ट देखो तो टैन ए यहाँ पे भी है टैन ए यहाँ पे भी है टैन ए कॉमन कर ले तो टैन ए अगर तुम कॉमन करोगे तो यहाँ क्या बचेगा यहाँ बचेगा वन माइनस और यहाँ क्या बचेगा माइनस वन माइनस से बचेगा क्या तो वन माइनस वन क्या हो गया कैंसिल. नीचे कितना हमारा नीचे हमारा माइनस टेन स्क्वायर है कि अरे सेक स्क्वायर है माइनस वन टेन स्क्वायर होता है अगर माइनस से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा वन माइनस सेक स्क्वायर इक्वल टू माइनस टेन स्क्वायर. तो क्या वन माइनस सेक स्क्वायर को माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हैं हम डायरेक्टली तो एक टेन क्या हो जाएगा कैंसिल. ऊपर क्या दिख रहा है ऊपर माइनस टू सेक दिख रहा है कि नहीं ऊपर माइनस टू सेक ए अपॉन माइनस टू माइनस टेन स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो गया हमारा कैंसिल हो गया कैंसिल हमारा. अब टू सेक ए अपॉन टेन ए बचा बस. अब बहुत सिंपल हो गया तो क्या सेक ए को हम वन बाई कॉस ए कर सकते हैं और टेन ए को क्या कर सकते हैं साइन बाई कॉस कर सकते हैं. इतना बताओ सिर्फ कॉस कॉस क्या हो गया तो टू बाई साइन के ऊपर कर दो क्या बच जाएगा टू कॉस एक ये आरएचएस चाहिए था हमें. बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था फॉर एग्जांपल का सॉल्यूशन मिल गया समझा गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पहले वहां पे हम लोग फिर से एग्जांपल का नेक्स्ट थ्री क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू टैन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा प्लस कॉस सेक थीटा प्रूव करने बोलते हैं करेक्ट. तो पहले क्या बोले हमेशा आपकी ट्रिग्नोमेट्री में मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करना है हम लोग को जहां भी tan cot theta से sin cos theta उसको कन्वर्ट करो कन्वर्ट करते इसको मैं ग्राफ किताब का ये तो ऐसे रहेगा sin theta plus cos theta ऑलरेडी कन्वर्ट यहां पे इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना हम लोग को ज्यादा तो वैसे ही रहेगा ठीक है. और ये क्या हो जाएगा sin by cos theta plus cos by sin theta हो जाएगा हमारा. नेक्स्ट अब ऐसे भी लेते हैं sin theta प्लस कॉस थीटा ये हो जाएगा ए से लेकर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर न्यूमिरेटर क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नीचे कितना रहेगा साइन थीटा इनटू कोई दिक्कत यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है वन होता है तो बताओ यहाँ पे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ठीक है इनटू वन अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा. अब क्या करना है दोनों को अलग अलग डिवाइड करना है क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा तो फर्क तो नहीं पड़ने जा रहा ना दोनों को अलग डिवाइड कर ले इसको इससे अलग डिवाइड कर लेते हैं इसको अलग डिवाइड यहां कर लेते हैं दिक्कत है आप क्या हो जाएगा डिवाइड करो साइन थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू cos theta sin और sin cancel cos और cos cancel 1 by cos क्या बचेगा यहाँ पे sec theta
वन बाय साइन क्या बचेगा cos x का, जिस आर एच एस समीकरण को प्रूफ करना है। समझ आ गया, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्वेश्चन एग्जांपल का ही है, रूट ओवर sec स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan थीटा प्लस cot थीटा, हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब इसे क्या करें, यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ पे हमें पता है कि sec और cos को tan और cot में कन्वर्ट किया जा सकता है। कैसे, फॉर्मूला पता है हम लोग को, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ पे होता है देखो यहाँ पे इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा होता है। cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा होता है। तो sec स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, एंड cos स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा हमारा, तो बोलो 1 प्लस cot स्क्वायर होगा। तो दिक्कत बस वैल्यू पुट करो यहाँ पे, बताओ कितना होगा, पुट कर लेते हैं रूट के अंदर ही पुट करते हैं, तो फर्क नहीं पड़ रहा है। sec स्क्वायर थीटा कितना होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos कितना होगा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो गया। यहाँ पे क्या बन गया था हमारा, ये बन गया 2 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब क्या करना, साइन और कॉस को कन्वर्ट करना, हम लोग को साइन कॉस में कन्वर्ट करो, ऑटोमेटिक हमारे से दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे मैंने कहा ये हो जाएगा 2 प्लस रूट ओवर में सब हमारा साइन बाय कॉस, साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा। सिंपल है ना, ये एलसीएम लेते क्या बन जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन पावर 4 थीटा, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा अपॉन में कितना, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस में स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, तुम देखो साइन पावर 4 थीटा कैसे लिखेंगे, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला किसका होगा। अगर मान लो तुम ए को, अगर तुम मान लो ए को साइन थीटा पुट करते हो, ए को साइन स्क्वायर थीटा पुट करते हो, बी को कॉस स्क्वायर थीटा पुट करते हो, देखना तो यहाँ पे ए और बी दिख रहा है क्या, ये 2ab बन गया, तो क्या ये साइन स्क्वायर का स्क्वायर है, क्या ए स्क्वायर बन गया, क्या बी स्क्वायर बन गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, किसका साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, नाउ नीचे कितना रहेगा, नीचे रहेगा साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर, दिक्कत यहां तक नाउ इसके बाद तो बहुत सिंपल हो गया, देखो ध्यान, ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, क्या रूट के अंदर वाला ऊपर 1 आ गया क्या, यस सर, और नीचे क्या साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसको बाहर करें तो क्या होगा, 1 बाय साइन थीटा इनटू होगा नहीं होगा, यस सर, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा ना रूट से, यस सर, क्या होगा 1 बाय साइन थीटा इनटू कॉस थीटा। अब बताओ 1 के प्लेस पे हम ऊपर यहां पे 1 के प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, यस सर, नीचे कितना साइन थीटा इनटू कॉस लिख सकते हैं क्या, यस सर, फिर से दोनों को डिवाइड कर लें, यस सर, क्या होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत, नो सर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, कोई दिक्कत, नो सर, किसी को प्रॉब्लम यहां पे, नो सर, साइन थीटा एक कैंसिल, कॉस थीटा एक कैंसिल, बताओ यहां एक साइन थीटा बचा नीचे कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस कितना होता है टैन थीटा, यहां कॉस थीटा साइन थीटा कितना होता है कॉट थीटा, ये प्रूफ करना है ना, यस सर, ये आ रहे थे सब लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था क्या सर, आई वाज समझ, डाउट है किसी को यहां, तो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, तो क्या है क्वेश्चन गिवन हमारा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, तो प्रूफ करने बोला टैन थीटा या तो 1 होगा या तो 1/2 होगा, ये प्रूफ करने बोला, ठीक है, सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या करो, सब में तुम यहां डिवाइड कर दो यहां पे सब में साइन स्क्वायर थीटा से, ठीक है, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, नाउ तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू कितना होगा,
एक साइन यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कॉस बाय साइन क्या होता है कॉट थीटा, बन गया थ्री कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं आपको इसी। नाउ सबको एलएचएस ट्रांसफर कर दो, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस थ्री कॉट थीटा इज इक्वल टू। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो मुझे बताना कि कॉसिक स्क्वायर, ध्यान दो कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, क्या क्या कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन कॉट स्क्वायर थीटा होता है, बट यहाँ पे है तो नहीं ना, एक काम करो यहाँ पे ऐसे कर लो कि कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन कर लो, बट एक्स्ट्रा माइनस वन ऐड किए तो क्या कर लो प्लस वन ऐड कर ले, यहाँ पे बात बराबर हो गया, एक प्लस वन तो पहले से ही, लेकिन बात समझ गया, ये प्लस वन पहले से ही है, हमने क्या किया माइनस वन प्लस वन खुद से ऐड किया, इसका फायदा क्या होगा, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, माइनस वन प्लस वन क्या कैंसिल आउट हो गया, कोई फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन फर्क ये पड़ गया हमें एक फॉर्मूला मिल गया यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन मिल गया, माइनस थ्री कॉट थीटा पहले से ही है इज इक्वल टू जीरो। नाउ तो बताओ कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस वन कितना होता है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा, वन प्लस वन कितना हो गया टू, अब माइनस थ्री कॉट थीटा, तो माइनस थ्री कॉट थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्सपेंड कर ले इसको, फैक्टराइज कर लेते इसको, तो क्या होगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉट थीटा माइनस कॉट थीटा प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, इसको कॉमन कर ले कॉट थीटा को, कॉट थीटा कॉमन के लिए क्या आएगा कॉट थीटा माइनस टू आ गया हमारा, फिर माइनस वन कॉमन कर लेते हैं, फिर से कॉट थीटा माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, कॉट थीटा माइनस टू कॉमन कर लेते हैं, तो कॉट थीटा माइनस टू और कॉमन करेंगे यहाँ क्या बचेगा कॉट थीटा, और यहाँ क्या बचेगा माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दोनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं, दोनों को अलग सॉल्व करेंगे क्या होगा, एक बार कॉट थीटा इक्वल टू टू आएगा एंड कॉट थीटा इक्वल टू और कॉट थीटा इक्वल टू वन आएगा, ठीक है, तो कॉट थीटा अगर टू है तो टाइम थीटा कितना होगा वन बाय टू, और अगर वन को उल्टा लिख क्या आएगा आंसर वही रहेगा, ये हमको प्रूफ करना है टाइम थीटा इक्वल टू वन और टाइम थीटा इक्वल टू वन बाय टू, आई बस समझे। हाँ तो एनसीईआरटी के मैंने जितने क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करवा दिया पहले, उसमें कुछ टफ क्वेश्चन होंगे, कुछ इजी लेवल क्वेश्चन होंगे, तो उसके बाद मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा चुके हैं, ठीक है, उसके बाद तुम्हारा अभी से जो क्वेश्चन करवाएंगे इसके पहले जो करवा चुके हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनफैक्ट इसके बाद से तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, लाइक ये क्वेश्चन हो गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है इसको कैसे करना देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। नाउ स्टेप नंबर वन क्या दे रखा है, जो दे रखा है उस पर ध्यान देना, जो प्रूफ करना है उससे मतलब लोगों ने प्रूफ करना है, वो जो दे रखा है उस पर ध्यान देते हैं, हम लोग क्या दे रखा है कि साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा इक्वल टू वन, देन प्रूफ दैट टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू, करेक्ट, ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा जीरो लग रहा होगा ना, जो दे रखा वही प्रूफ करने के बोल रहा है, बस साइन को उल्टा उल्टा कर दिया है, अगर ऐसा तो क्या करना है, इसको पहले स्क्वायर करते हैं, तो गिवन इसको लिखते हैं पहले, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा सॉरी टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना है, अरे बोलते जाओ तुम लोग, साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा कितना है, बोलने नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों स्क्वायर करते क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस टू कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन का शुभम का होल स्क्वायर टू स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्सपेंड कर ले यहाँ पे, साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टू साइन थीटा इनटू टू कॉस थीटा इज इक्वल टू बाय वन, कोई दिक्कत अभी तक किसी को, नो सर, तो क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा, अब एक काम करना चाहते हो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कि प्रूफ जो करना है टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा करना है, करेक्ट, इसका मतलब इसको स्क्वायर फिगर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो साइन वाले को कॉस में कॉस वाले को साइन में कन्वर्ट करो, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो दिक्कत नो सर, टू इंटू टू फोर हो गया, फोर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया वन, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये हमारा हो गया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर इंटू वन फोर माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू वन, दिक्कत यहाँ पे तो काम करो, यहाँ पे जितने तुम्हें नंबर्स लाइक दिख रहे हैं फोर वन जितना दिख रहा है सबको एक तरफ सेंड करो और साइन कॉस को एक तरफ रखो, लाइक वन हो गया फोर हो गया इस सबको एक अलग कर दो, तो फोर प्लस वन कितना हो गया फाइव, और माइनस फाइव कितना हो जाएगा माइनस फोर, ये हमारा हो गया यहाँ बचा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ध्यान देना माइनस फोर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत प्लस फोर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस फोर, कोई दिक्कत नो सर, नाउ
अभी काम करो, दोनों माइनस है ना, दोनों को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस क्या हो जाएगा आपके टर्म पॉजिटिव बन जाएगा, नो ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस फोर साइन स्क्वायर थीटा माइनस फोर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू। अभी काम करो, ए को पुट करो यहाँ पे तुम कॉस थीटा, और बी को पुट करो तुम टू साइन थीटा, और चेक करो क्या फॉर्म बन रहा है कि नहीं, चेक करना। अगर ए को कॉस थीटा पुट किया ए स्क्वायर, अब बी को पुट के टू साइन थीटा, क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू भी कैसे बोल रहे हैं सुनो, कैसे कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ए स्क्वायर, क्या टू साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस टू इंटू टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हमारा, कोई दिक्कत नहीं किसी को, क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बन गया। आप आगे बताओ जो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू बी कितना होता है, ए माइनस बी का ए कितना था कॉस थीटा माइनस टू साइन थीटा, रूट क्या करना टू साइन थीटा कॉस थीटा, काम करो फिर उल्टा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे नेगेटिव का भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का भी नेगेटिव कर देगा, ये काम करना चेंज करके ऐसे करो, देखो यहां पे ऐसे करते हैं, इसको हम यहां पे बना देते हैं, ए को मान लेते हैं हम टू साइन थीटा को मान लेते हैं कॉस थीटा, फर्क तो नहीं पड़ेगा, देखो यहां से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, एक ही बात हुआ यस, फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, यहां पे किसी को डाउट है बता दो मुझे, नमस्कार मुझे कर देना, तो बताओ कितना आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब टू साइन थीटा ध्यान देना माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और क्या फोर को भी टू का स्क्वायर कर सकते हैं, यस सर, कोई दिक्कत नो सर, स्क्वायर को आउट कैंसिल, क्या मिला हम लोग को टू साइन थीटा जो हम लोग को प्रूफ करना था, प्रूफ करना था, आर एच एस, नो सर, बहुत इजी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या प्रूफ करना, हम लोग को प्रूफ करना है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अगर पी दे रखा है, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा अगर क्यू दे रखा है, देन प्रूफ कीजिए क्यू इनटू पी स्क्वायर माइनस 4 इनटू 2 पी, ये प्रूफ करना है। नाउ तो गिवन क्या क्या हम लोग फोकस करते हैं, तो गिवन क्वेश्चन हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कोई दिक्कत यहाँ पे सर, और क्या गिवन हमारा कि sec थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू q, कोई दिक्कत यहाँ पे अभी तक सर, गिवन में क्या दिक्कत होगा, यस सर, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 बाय cos थीटा प्लस 1 बाय sin थीटा इक्वल टू q, कोई दिक्कत अभी तक नो सर, नाउ अब एलसीएम लेते हैं यहाँ पे क्या होगा sin थीटा प्लस cos थीटा होगा नहीं होगा, यस सर, मुझे कितना होगा sin थीटा cos थीटा cos थीटा इज इक्वल टू कितना होगा q, अब बताओ इसका वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में p, p अच्छा यस सर, sin थीटा प्लस cos थीटा कितना गिवन था p, तो पुट कर दे p में, यस सर, हो गया p अपॉन sin थीटा इनटू cos थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया q, तो ये बताओ sin थीटा इनटू cos थीटा कितना हो जाएगा sin थीटा इनटू cos थीटा हो जाएगा p अपॉन cos q, हो गया हमारा इतना मिल गया, ये पोर्शन हम लोग को मिल गया, ठीक है, अभी काम करो इसको तुम स्क्वायर करके आगे बढ़ाओ, इस टर्म को स्क्वायर करके आगे बढ़ाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर, स्क्वायर करते हैं इसको, यस सर, स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 इज टू sin थीटा cos cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर, कोई दिक्कत है यहां पे नो सर, ये पूरा टर्म 1 मिल गया हमारा, यस सर, क्या मिल गया हम लोगों को 1 प्लस sin थीटा cos थीटा cos थीटा cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर, हम लोग ये निकाल चुके हैं, कितना p अपॉन q, पुट कर लो इसको 1 प्लस 2 इनटू p अपॉन q इज इक्वल टू p स्क्वायर, सॉल्व कर लो एलसीएम लेकर, यस सर, तो ये मिल गया हमें 1 प्लस 2 p अपॉन q इज इक्वल टू p स्क्वायर, ऐसे लेते हैं आपने क्या मिलेगा एलसीएम लेकर q प्लस q प्लस टू पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू क्यू मिल गया, हम लोग क्या करना है q इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पी, टू पी मिल चुका हम लोग को, एक काम करो उसको तो सेल्फ करो उसका, तो टू पी कितना मिल जाएगा जो टू टी स्क्वायर q
माइनस क्यू, अब क्यू कॉमन कर ले क्या, क्यू कॉमन कर ले क्या मिल जाएगा, पी स्क्वायर माइनस वन, जो प्रूफ करना था कितना ये प्रूफ करना था, रेंज करके इसको क्या हो गया क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू पी, ये मैं प्रूफ करना था, ये प्रूफ क्या गिवन डेटा गिवन हमारा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, कोई दिक्कत यहाँ पर, एक काम करो sec थीटा माइनस tan थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, तो sec थीटा प्लस tan थीटा इनटू sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा माइनस tan थीटा, सेम टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क ये पड़ा कि फॉर्मूला में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर tan square theta upon sec theta minus tan theta tan theta is equal to n, मुझे पता है कि sec square theta minus tan square theta one होता है, क्या हो गया one upon sec theta minus tan theta is equal to l, so sec theta minus tan theta कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा one upon l, मिल गया, इसको मान लो equation number two, इसको मान लो equation जो data था हमारा उसको मान लो one, दोनों को add कर दो भाई एलिमिनेशन मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड चैप्टर 4 में पढ़ना, किसी को इसको यहां पर सॉल्व कर 1 और 2 को ऐड करें tan tan हो जाएगा कैंसिल सेट, सो मिल जाएगा 2 से 2 से ऐड करें एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 मिलेगा 2 से 2 से थीटा इज इक्वल टू l प्लस 1 अपॉन 1 बाय a 1 बाय हो गया, तो 2 से थीटा कितना मिल गया हम लोग को l स्क्वायर प्लस 1 बाय l, तो पोजीशन से निकलो क्या होगा sec थीटा कितना मिल गया हम लोग को l स्क्वायर प्लस 1 बाय 2l, जो हमें राइट हैंड साइड में पुट करना था, यस सर, सिंपल क्वेश्चन हमारा है कि वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सराउंडेड बाय अ वर्टिकल फ्लैट स्लैब ऑफ द हाइट एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैब आर अल्फा एंड बीटा रेस्पेक्टिवली, द प्रूफ दैट द हाइट ऑफ द टावर इज h tan alpha upon tan beta minus tan alpha, तो मैंने तो अभी तक क्वेश्चन समझाया नहीं समझाया, मैंने बस इंग्लिश रीडिंग किया था, तो क्लास 1 2 के बच्चों होने कि रीडिंग दिया समझ में आ जाएगा, समझाना पड़ेगा ना, देखो एक मॉडल टावर यहां पे हम यहां पे कुछ तुम्हारे इसका डायग्राम बहुत क्लियर होना चाहिए, डायग्राम क्लियर नहीं है तो शायद तुम क्वेश्चन ही नहीं कर पाओगे, डायग्राम बहुत ही क्लियर होना चाहिए, तो ये तुम्हारा ये हो गया ये वर्टिकल टावर, ठीक है इसको डिफरेंट कलर से दिखा दे रहे हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, तो मान लो तुम्हारा ये वर्टिकल टावर हो गया, ओके टावर वर्टिकल मतलब क्या होता है कि सीधा y एक्सिस पे रखा हुआ ना, अब इसके ऊपर क्या है तुम्हारा एक फ्लैग रखा हुआ है, ठीक है फ्लैग तुम्हारा मान लो ये तुम्हारा फ्लैग रखा हुआ है, ये तुम्हारा फ्लैग है, डायग्राम से क्लियर दिख रहा होगा हम लोग यहाँ पे ये वर्टिकल स्टैंड यहाँ पे जिसके ऊपर फ्लैग को रखा गया है, तो फ्लैग का जो बेस तुम्हारा है वो किसी पोजीशन पर जाकर अल्फा एंगल बना रहा होगा, और फ्लैग का टॉप जो तुम्हारा है वो किसी पोजीशन में तुम्हारा सेम पोजीशन में बीटा एंगल बना रहा है, तो प्रूफ ये करना है, प्रूफ करना है जो वर्टिकल स्टैंड है ना वो वर्टिकल स्टैंड का जो हाइट होगा वो इसके बराबर है ना, ठीक है ना, वर्टिकल हाइट ऑफ टावर ठीक है क्या, तो हाइट ऑफ टावर तुम्हारा यहाँ पे है, इस टावर का हाइट कितना होना चाहिए इसके इक्वल होना चाहिए, प्रूफ करना हमको बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या गिवन है इसका ये हाइट कितना पूरा टावर के हाइट को कैपिटल एच मान के चल रहे हैं, फ्लैग का हाइट को हम स्मॉल एच मान के चल रहे हैं, बताओ
टोटल हाइट यहां से यहां कितना हो जाएगा? एच प्लस एच एच होगा नहीं होगा बात समझ में इतना हो हमें क्या क्या गिवन डेटा है इसके अंदर डेटा हमारा इतना ही गिवन है मतलब एक परपेंडिकुलर गिवन है बिकॉज एंगल के सामने परपेंडिकुलर करेक्ट एक बेस गिवन है बताओ पी और बी का रिलेशन किस में आता है यार नॉर्मल सी बात है अब मुझे बताया कि दो ट्रायंगल लेके चलेंगे एक ट्रायंगल नंबर वन एक ट्रायंगल नंबर पूरा टोटल एक अल्फा के एक बीटा के लिए तो बताओ टैन अल्फा कितना हो छोटू जल्दी बताना टैन कैपिटल एच अपॉन एक्स हो गया क्या कोई दिक्कत हमें मतलब हमें निकालना किससे हमें निकालना कैपिटल एच को एक्स क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा हमारा एच अपॉन टैन अल्फा मिल गया फर्स्ट इक्वेशन नाउ अब टैन बीटा बताओ टैन बीटा क्या हो जाएगा हमारा एच अपॉन एच प्लस एच अपॉन एक्स ये हुआ ना एक्स क्या हो जाएगा कैपिटल एच प्लस एच अपॉन टैन बीटा टैन बीटा अब इक्वेशन नंबर टू और इक्वेशन नंबर वन क्या कॉमन दिख रहा है दोनों एनएचएस बराबर है कि नहीं तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा छोटू बताओ आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा अगर तुम्हारा एलएचएस इक्वल है तो आरएचएस भी क्या करते हैं यहाँ पे इक्वल क्या करते हैं इक्वल करते हैं इक्वल आराम से देखो यस देखो बराबर करते तो एच अपॉन टैन अल्फा शुड बी इक्वल टू एच प्लस एच अपॉन टैन बीटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते क्या एच टैन बीटा इक्वल टू कैपिटल एच टैन अल्फा प्लस स्मॉल एच टैन अल्फा हमें निकालना कैपिटल एच है इसको उधर से निकल दो क्या हो जाएगा कैपिटल एच टैन बीटा माइनस कैपिटल एच टैन अल्फा इक्वल टू स्मॉल एच टैन अल्फा कोई दिक्कत कैपिटल एच कॉमन कर ले क्या क्या मिलेगा टैन बीटा माइनस टैन अल्फा इक्वल टू एच टैन अल्फा अब जो चाहिए उसको भेज दो हम हमें क्या चाहिए कैपिटल एच चाहिए हम लोग बाकी राइट हैंड से समझ लो तो कैपिटल एच इक्वल टू दैट इज इक्वल टू एच टैन अल्फा अपॉन टैन बीटा माइनस तो यही प्रूफ करना था हम लोग को क्वेश्चन का कुछ भी दमदार छोड़ो क्वेश्चन देखने में कितना भयानक लग रहा था तो तुम्हें क्या करना है बेसिकली हर क्वेश्चन में बस क्वेश्चन को तरीके से पढ़ना है टारगेट डिफाइन करो टारगेट क्या प्रूफ करना क्या गिव है इतना ही काफी है बस हाँ सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए तो ये क्वेश्चन में जो लास्ट क्वेश्चन में जैसे प्रूफ किया था ना सेम उसी तरह से प्रूफ कर रहा हूँ ठीक है बस यहाँ पे क्या वर्टिकल वॉल से वायर लैडर रखा हुआ है उसमें अल्फा एंगल बनाना है अब लैडर को स्लाइड करो लैडर जाएगा ऊपर ऐसे रखा मान लो मेरा लैडर तो ठीक है ऐसे मान वहां देखिए मैं तो ये वॉल ठीक है ये मैं लैडर ये वॉल है ये वॉल लैडर हमारा अगर ऐसे रखा हुआ तो यहाँ पे एंगल कितना है अल्फा स्लाइड करना मतलब अगर ऐसे जाएगा तो एंगल क्या होगा धीरे चेंज करेगा ये कहाँ जाएगा ऊपर तो बाद में एंगल बनाया बेटा पहले था एंगल अल्फा तो रिलेट करना हम लोग को अब बताना पी और की डिस्टेंस के टर्म में कि एंगल टर्म में कितना होना चाहिए ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो खासकर यूट्यूब पे बोल रहे हैं क्वेश्चन ट्राई करो और इसका आंसर निकाल के देखो फटाफट ठीक है जल्दी